भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पीठ की चोट के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले टीम इंडिया में वापसी करने के लिए फिटनेस टेस्ट दिया था, लेकिन वे इस टेस्ट में फेल हो गए थे। हालांकि बाद में उनके कोच एस रजनीकांत ने यह बयान दिया था कि हार्दिक का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है, उन्हें लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि हार्दिक फिट हैं तो उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे और T20 सीरीज का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। न्यूजीलैंड दौरे के लिए जब टीम चुनी गई तब हार्दिक के नाम पर विचार भी नहीं किया गया। वहीं अब हार्दिक की फिटनेस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया है कि हार्दिक ने अभी तक फिटनेस हासिल नहीं की है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे। सौरव गांगुली ने बताया कि हार्दिक पांड्या ने पीठ की सर्जरी के बाद अब तक फिटनेस हासिल नहीं की है और उन्हें टीम में वापसी के लिए अभी समय लगेगा। गांगुली के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि पांड्या की वापसी में अभी काफ़ी समय लगेगा। भारत का न्यूजीलैंड दौरा मार्च में ख़त्म होगा, इसके बाद साउथ अफ्रीका टीम भारत का दौरा करेगी, यानी हार्दिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी फिटनेस साबित करने के लिए कम से कम एक घरेलू मुकाबला खेलना होगा। इसके बाद ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। वैसे आप हमें कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि क्या हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से वापसी करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें।